कारगिल विजय दिवस पर दी गई श्रद्धांजलि, शहीद जवानों को किया क्या याद। 26 जुलाई को पूरे देश में कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है। यह स्वतंत्र भारत के सभी देशवासियों के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिवस है। इस दिन 1999 में जम्मू कश्मीर के कारगिल में युद्ध हुआ था, जो लगभग 60 दिनों तक चला और 26 जुलाई के दिन उसका अंत हुआ। इसमें भारत को विजय मिली। तब से लेकर प्रत्येक वर्ष 26 जुलाई को विजय दिवस मनाया जाता है। इसी कड़ी में 26 जुलाई को कोरबा के सुभाष चौक पर कार्यक्रम आयोजित कर अमर शहीदों को पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। पूर्व सैनिक सेवा संघ कोरबा द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में कोरबा पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल एवं गणमान्य नागरिक शामिल हुए। देश के लिए जान अर्पित करने वाले जवानों को आज याद किया गया है। इस मौके पर पूर्व सैनिक संगठन द्वारा भूतपूर्व सैनिकों का सम्मान भी किया गया। आज विजय दिवस के रूप में आज हम सभी लोग यहाँ पर अपने पुलिस के जवान और जितने भी अपने कोरबा वासी हैं एक साथ एकत्रित हुए हैं। जिन लोगों ने अपने देश के लिए सब कुछ अर्पित कर दिया, उन सबको याद करना हम सबका धर्म है। और उन सबको याद करके उन लोगों से एक संदेश लेने के संदेश अपने को करना चाहिए कि अपने देश की स्वाभिमान की रक्षा के लिए, सुरक्षा के लिए अगर किसी भी प्रकार की कुर्बानी देने की बात आती है तो हम सबको पीछे नहीं हटना चाहिए। मैं साथ ही साथ उनके फैमिली वालों को भी अपना श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाहूँगा कि उन्होंने अपने बच्चों को संस्कार दिए कि देश की रक्षा सुरक्षा में अपना सब कुछ अर्पित कर सकें। तो निश्चित रूप से ये हम सब लोगों के लिए एक प्रकार का संदेश दिवस भी है कि हम उनके जीवन से प्रेरणा प्राप्त करें। धन्यवाद। तो पहले परिचय बताएं। मेरा नाम प्रगतिशील टोप्पो है। मैं भारतीय सेना से 17 साल की सेवा करके 31 मार्च 2020 को रिटायरमेंट हुआ था। और आज की यह हमारे लिए बहुत ही गौरवपूर्ण बात है कि 26 जुलाई को जो कि कारगिल विजय दिवस के रूप में मनाया जाता है और ये हमारे भूतपूर्व सैनिक संगठन कोरबा की तरफ से एक आह्वान है कि जो भी सैनिक कोरबा जिले में के वासी हैं, जो रिटायरमेंट होते हैं और उनको सम्मानित किया जाता है, उसी प्रकार से आज भी हम यहाँ भूतपूर्व सैनिक एक संग इकट्ठा होकर इस कारगिल विजय दिवस को मनाने के लिए एकत्रित हुए हैं। क्योंकि 26 जुलाई के जितने भी यहाँ आप देख रहे हैं पीछे में हमारे पास जो श्रद्धांजलि के फोटो लगाए गए हैं, ये सब वहाँ पर 26 जुलाई को शहीद हुए थे उनकी यादगार को लिए। क्योंकि आज जो हम यहाँ पर अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं ये उनकी ही देन है, इसलिए हमें इनकी इस श्रद्धांजलि जो अर्पण करने आ रहे हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। और मैं यही चाहता हूँ कि आगे भी हम इन शहीदों को नमन करते हुए हमेशा हमेशा के लिए याद करेंगे और इस 26 जुलाई कारगिल विजय दिवस को और भलीभांति अच्छी तरह से मनाएंगे। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।